everyone, welcome or welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing great. तो guys, आज के इस वीडियो में अगेन मैं एक प्रोडक्ट का जो है वो रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड ये जो प्रोडक्ट है ये एक पील ऑफ मास्क होने वाला है जो कि न्यू ब्रांड है. एंड मैं इसे दो बार यूज कर चुकी हूँ एंड इसके मैंने काफी 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 अच्छे रिजल्ट्स जो है अपने फेस पे देखा है. एंड मैं इसे यूज करने के बाद मैं बोल सकती हूँ कि ये जो है अब तक का मैंने जितना भी पील ऑफ मास्क यूज किया है ये सबसे ज्यादा पावरफुल है एंड इसके इफेक्ट जो है काफी काफी ज्यादा अच्छे हैं. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ जो है इस प्रोडक्ट के बारे में शेयर करने वाली हूँ. बेनिफिट से लेके प्रोज कॉन्स, उसके बाद से प्राइसिंग, कहाँ पे आपको मिलेगा, कौन से स्किन टाइप वालों के लिए है, इसे यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे पील ऑफ मास्क अवेलेबल है, ये पील ऑफ मास्क उन पील ऑफ मास्क से क्यों डिफरेंट है, वो सब कुछ जो है आज मैं बताने वाली हूँ. साथ ही मैं आज आपको जो है डेमो, लाइव डेमो जो है वो भी दिखाने वाली हूँ. तो अगर आपको पील ऑफ मास्क चाहिए जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे पील ऑफ मास्क मिल जाएंगे जिनके नाम ही सिर्फ पील ऑफ मास्क है एंड काइंड ऑफ पील करने पे आपको कुछ भी पील नहीं होता है, लाइक वो वेस्ट ऑफ मनी है. थोड़ा सा जो है मैं आपको जो है सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं अभी दे दूंगी, उसके बाद जो है जब मैं डेमो स्टार्ट करूंगी तो उसके साथ जो है मैं थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ये है वो प्रोडक्ट एंड ये थोड़ा सा जो है ना इसकी जो कंसिस्टेंसी है एंड इसे यूज करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे पील ऑफ मास्क से, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी. तो बेसिकली जो है ये प्रोडक्ट जो है हमें कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्स के पैकेजिंग के साथ मिलता है, जहां पे सामने इन्होंने की हुई है अपनी ब्रांडिंग लाइक प्रिज्मोस ब्यूटी चारकोल पील ऑफ मास्क. तो हमारा जो बॉक्स है ये कुछ इस तरीके से दिखता है लाइक चारकोल पील ऑफ मास्क है, इसलिए इन्होंने जो अपना कलर कॉम्बिनेशन जो है वो भी चारकोल टाइप का ही रखा है. इसकी पैकेजिंग, आउटर पैकेजिंग जो है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी. साइड में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे इन्होंने कुछ भी डिस्क्रिप्शन वगैरह, इंग्रीडियंट लिस्ट और कॉशन वगैरह जब सब कुछ जो है यहाँ पे मेंशन किया है. उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे इन्होंने प्राइसिंग, एक्सपायरी डेट, शेल्फ लाइफ वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. और हाँ, ये जो प्रोडक्ट है ये है पैराबेन फ्री, पेग फ्री एंड एल्कली फ्री, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है क्योंकि पैराबेन वगैरह जो है हमारे स्किन के लिए अच्छे नहीं होते, आपको पता है. एंड मतलब आपको ना पैराबेन एंड पैग फ्री ये सब जो है ना ये सब कुछ जो है माइंड में रखना है एंड ये सब चीज देखते हुए प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना है. तो चलिए, बाहर से तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, अगर हम अंदर देखते हैं तो अंदर में जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है आता है. लाइक ये जो है एक लाइक व्हाइट डब्बा है, आप देख सकते हो नॉर्मल सा प्लास्टिक का डब्बा है. सामने जो है इन्होंने यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है, अगेन यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिस्ट, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है. तो गाइस, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करूं तो ये जो है ना 3/20/22 को जो है मैन्युफैक्चर हुआ है एंड इसे जो है आप 24 मंथ्स तक जो है इसकी शेल्फ लाइफ रहेगी. लेकिन अगर आपने, जैसे मैं आज इसे यूज करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे विद इन 12 मंथ्स जो है इसे फिनिश करना होगा, जो कि ठीक है यार, पील ऑफ मास्क के लिए बिल्कुल सही है. तो कुछ इस तरीके से हमारा आउटर पैकेजिंग है, मैंने बता दिया. इस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट को जो है ओपन करेंगे, तो इस तरीके से जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो ओपन होता है. अगेन एक सेपरेटर है, लाइक हमारे मेन कैप एंड प्रोडक्ट के बीच में जो है एक सेपरेटर दिया हुआ है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैसी ना हो सके. अगेन बहुत अच्छी पैकेजिंग है इसकी, अभी तक तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है. देन इसे हम ये पाउडर तो ये जो पील ऑफ मास्क है आप देख सकते हो कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल पाउडरी है. आप देख लो, ये बिल्कुल पाउडरी कंसिस्टेंसी के साथ आता है एंड इसे जो है यूज करने का तरीका जो है वो मैं अभी दिखाने वाली हूं. मैंने बोला था ना कि नॉर्मल पील ऑफ मास्क से जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है. फ्रेग्रेंस की बात करूं तो एकदम सैंडलवुड जो पाउडर होता है ना, और मुल्तानी मिट्टी पाउडर, अगर आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो उसके जैसा जो है इसका स्मेल है, जो कि मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा है, रिफ्रेशिंग स्मेल है. तो गाइज, सब कुछ जो है मैंने अभी बता दिया है, अब मैं जाती हूँ डेमो पे एंड डेमो में जाने के बाद मैं इसके इंग्रेडिएंट एंड सब कुछ जो है वो आपको जो है धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगी. तब तक आप डेमो को एंजॉय करो. तो गाइज, यहाँ पे मैं अपना फेस पैक बना रही हूँ. उसके लिए मैंने लिया है एक बोल और उसमें मैं डाल रही हूँ ये पील ऑफ मास्क को, मतलब चारकोल पील ऑफ मास्क. और इसे जो है मास्क बनाने के लिए मैंने यूज किया है नॉर्मल वाटर एंड इसे जो है आपको ब्रश की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है. मिक्स करने के बाद जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली पील ऑफ मास्क जो होता है वो स्टिकी ही होता है. इसके जो है ना आपको थिक लेयर जो है अपने फेस एंड नेक पे लगाना है. फिलहाल मैंने सिर्फ फेस पे लगाया है, लेकिन आपको फेस एंड नेक पे लगाना है. इसे अच्छे से 10-20 मिनट्स रखना है, उसके बाद इसे पील करना है. प्राइसिंग की बात करूँ तो ये आपको 559 रुपीज में मिलता है और क्वांटिटी की बात करूँ तो ये आपको मिल जाता है
50 ग्राम की क्वांटिटी में, जो कि एक मतलब पाउडर फॉर्म की फेस पैक के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। एक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिलता है एलोवेरा लीफ पाउडर, जो कि मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट इसके अंदर रहता है, यानी जो है अगर आपके फेस पे स्वेलिंग वगैरह कुछ भी है तो उसे जो है ये काफ़ी हद तक कम करता है। देन इसके अंदर आपको मिलता है मेंथा पाइपरिता लीफ एंड सिट्रस लेमन पील पाउडर, जो आपकी स्किन को जो है काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रखता है। देन इसके अंदर आपको मिलता है सिट्रस ओरिएंटम पील पाउडर, जो स्किन को जो है ना एक्सफोलिएट करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है। चारकोल मिलता है इसके अंदर, जो आपके सीबम को कंट्रोल करता है, जिससे आपके आपको पिंपल्स होने की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। एंड डेड सेल्स को रिमूव करता है, डेड सेल रिमूव होने के बाद जो है हमारा स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रीदेबल और ग्लोई और प्लम्पी दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो पील ऑफ मास्क है वो ड्राई हो चुका है, एंड क्योंकि ये पाउडर कंसिस्टेंसी का पील ऑफ मास्क है तो ये आपको जो है ना एकदम स्मूथली पील नहीं होगा, ये ऐसे ही पील होता है, लाइक थोड़ा थोड़ा करके पील हो रहा है, और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब नॉर्मल पील ऑफ मास्क के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ कंपेयर करूँ तो। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा स्किन जो है कितना ज़्यादा ग्लोई दिख रहा है, एंड इतना सॉफ्ट हो गया था, बेबी सॉफ्ट स्किन हो गया था मेरा। पील ऑफ मास्क यूज़ करने से होता है ना क्या होता है ना गाइज, हमारी स्किन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो ड्राइनेस को ओवरकम करने के लिए आपको लगाना है एक थिक मॉइस्चराइजर। तो मैंने यहाँ पे जो है अपना पसंदीदा जो मॉइस्चराइजर है उसे लेके मैं बहुत अच्छे से जो है ना अपने फेस पे जो है उसे लगा ली हूँ, ताकि जो मेरा स्किन जो है वो ड्राई ना लगे। मुझे ये फेस पैक जो है पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इनका जो फॉर्मूला है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मेरा स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फील हो रहा है। आई थिंक गाइस आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हेल्पफुल लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।